सर्वप्रथम आह्वान करें परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो वन द सिंबल डॉन पेज 3 लाइन 27 पर हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं ताकि रखे गए सूत्रों को मंत्रों को गूढ़ रहस्यात्मक इस वाणी को जो अद्भुत अद्भुत भाव प्रकट करती है हम उनकी चेतना के साथ ऊर्ध्वारोहण करके देख सकें सीख सकें समझ सकें तदनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। वन ल्यूसेंट कॉर्नर विंडोविंग हिडन थिंग्स फोर्स द वर्ल्ड्स blind immensity to sight, the darknesses failed and slipped like a falling clock from the reclining body of a god, then throwing the pallid rift that seemed at first hardly enough for a trickle from the suns, outpoured the revelation and a flame. सरल भाव की ओर चलते हैं, कुछ पूर्वा का भाव थोड़ा रिविजन करते हुए, व्योम व्याप्त प्रलय विलीन चेतना पर पड़े अचित में अमूल्य रूपायन एवं सृजन रत्नों से जड़ित स्वर्णिम चौखट पर रत्न जड़ित कब्जे वाले स्वर्णिम रत्न जड़ित द्वार के स्थापित हो चुकने के उपरांत अरूम व्योप्त व्याप व्योम व्याप्त चेतना पर पड़े अचित में परात्परा के दिव्य संस्पर्श उपरांत चेतना जो अरूप बनी हुई थी अब तक उस अरूप चेतना की जड़त्व समाधिस्थता को अपनी समाधि त्याग कर रूपायन एवं सृजन प्रवेश करने के लिए अचित के किसी सचेतनता से दीप्त कोने में जड़े स्वर्णिम द्वार के सरक कर खिड़की गवाक्ष सम खुल पड़ने पर व्योम व्याप्त अचित के समक्ष द्वार के खुले द्वार के दूसरी तरफ की अब गुप्त वस्तुओं को झलकाया और सृजन प्रवेश से रूपायन पर सृजित होने वाले जगत की संभवित अमापी असीमता को असत अचित की अरूपता में ही रहने के निश्चय की अंधता पूर्ण मुंदे नेत्रों को पुनः रूपायन एवं सृजन प्रवेश में प्रवेश के सचेतनता की तीव्रता पूर्ण विभाव से नेत्र खोलकर देखने के लिए अब मजबूर बनाया। इस प्रकार अचित व्याप्त प्रलय विलीन चेतना के भागवत
लक्ष्य संसिद्धि के विरोध भाव पुनः सृजन एवं रूपायन में न जाने की घोर तमसा छन्न रजनी का महाअंधकार का महातिमिर का सबका सब परात्परा प्रेषित दिव्य प्रज्वलित प्रकाश प्रवेश जिसने भागवत संकल्प संसिद्धि में आई इस विरोधी भाव के समूचे तमसा छन्न महाअंधकार को पुनः सृजन व रूपायन में जाने के भाव से प्रेरित करके ललचाया मजबूर बनाया तब चेतना पर व्याप्त संपूर्ण चित महातिमिर स्वतः घोर पराजय को प्राप्त हो गया। अरूपता में ही स्थित रहने के समूचे व्योम व्याप्त विद्यमानता रूपी देवता के पुनः सृजन से रूपायन में जाने के भाव की ओर अब शने शने झुकते जाने वाले इस अचित पड़े चेतना पर देवता अधिशाही देवता पर पड़ा भागवत संकल्प सिद्धि विरोधी भाव चेतना पर यही पड़ा था ना अरूप का। अरूप की जो चेतना परिव्याप्त थी संपूर्ण व्योम में उस पर अरूप ही बने रहना रूपायन में न जाने का जो अंधकार पूर्ण भाव जकड़ा हुआ था अब यह विरोधी भाव का महातिमिर रूपी कलेवर आवरण चोंगा या अंगरखा कुछ भी कहें महायोगी ने इसके लिए जो शब्द रचा है द डार्कनेस फेल्ड एंड स्लिप्ड लाइक ए फॉलिंग क्लॉक चोंगा फ्रॉम द रिक्लाइनिंग बॉडी ऑफ ए गॉड। तो भागवत संकल्प सिद्धि विरोधी भाव का यह महातिमिर रूपी चोंगा चीवर अब खसक गया तब सूर्योदय से पूर्व की वेला में छाई अति मंद धुंधली पांडुवर्णी पौ फाटन के क्षणों में सूर्य की प्रखर ज्योति की झलक तो मुश्किल से ही जानी जा सकती है। उसी प्रकार से व्योम व्याप्त उपस्थिति की घोर तमसा छन्नता में अरूप से रूपायन सृजन में अभिव्यक्तिकरण के भाव की सूर्योदय पूर्व की प्रारंभिक पौ फाटन वेला में सृजन रूपों आकारों में अभिव्यक्तिकरण के भावी प्राकट्य के पूर्ण सूर्योदय की अग्निल प्रखर मयूख ज्योति की झलक तो अब भी अत्यंत कठिन से ही जानी जा सकती थी कठिनाई से ही जानी जा सकती थी किंतु समूचे व्योम व्याप्त जागृत हुई चेतना विद्यमानता के सृजन एवं रूपायन में जाने के भाव की शने शने वृद्धि होते जाने के उपरांत आए भोर से प्रातः प्रकाश उपरांत सूर्योदय के ज्योतिर्मय दीप्यमानता की प्रखर ज्योति की प्रकाश ज्वाला की अरूप से रूपायन अभिव्यक्तिकरण की धारा अब बह चली
तब सृजन व रूपायन से अभिव्यक्तिकरण की ओर बढ़ चलने के अग्निल प्रकाश ज्वाल धारा प्रवाह से व्यक्त हो जाने के साक्षात्कार की प्रतीति हुई। आज हम इस सारगर्भित गूढ़ रहस्यात्मक महायोगी महर्षि श्री अरविंद विरचित सावित्री महाकाव्य के इन दिव्य सूत्रों मंत्रों को, जिन्हें हमने आवान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना के साथ अपनी चेतना को ऊर्ध्वारोहण कराकर देखा सीखा समझा जाना, आवाहन पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना से हम पुनः निवेदन करें, क्या उत्तरित हुए इस अभिव्यक्त ज्ञान विज्ञान की यह दिव्य प्रकाश पूर्ण धारा, जिसे धारण करने की हमारी योग्यता नहीं किंतु वे हमारी सत्ता के स्तरों में इन्हें धारण करा है, ताकि जब जब इस ज्ञान के विज्ञान की हमें साधना के द्रुपद पर आवश्यकता हो, तब तब यह विज्ञान ज्ञान जागृत होकर हमारी साधना के द्रुपद पर हमारा नेतृत्व करे। इसी मनोभाव से हम 2 मिनट ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें, भागवत क्रिया संपन्न होने जा रही है।